Hello everyone, welcome to class number 90 of the chapter programming using C. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में. आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग रीअलॉक फंक्शन. ओके, तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने मेलॉक फंक्शन कैलॉक फंक्शन के बारे में पढ़ा कि मेलॉक फंक्शन कैलॉक फंक्शन को हम कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रीअलॉक फंक्शन को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो जैसे कि मेलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन stdlib हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है, वैसे ही रीअलॉक फंक्शन को भी डिक्लेयर किया गया है stdlib हेडर फाइल में. अगर हम रीअलॉक फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो stdlib हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक सेक्शन में लिंक करना पड़ेगा हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके, तब जाके हम रीअलॉक फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. ओके, रीअलॉक मतलब क्या? रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी. रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी मतलब क्या कि जैसे कि हम मेलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, टू एलोकेट द मेमोरी डायनामिकली. मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर हम मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेलॉक फंक्शन को या फिर कैलॉक फंक्शन को. तो सपोज मैंने मेलॉक फंक्शन यूज करके एक मेमोरी एलोकेट किया है जिस मेमोरी का साइज है 50 byte. ओके, बट मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं जो भी मेलॉक फंक्शन यूज करके मैंने जो मेमोरी एलोकेट किया है उतना मेमोरी मुझे नहीं चाहिए. बाद में मुझे लगा तो वहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इतना मेमोरी नहीं चाहिए. तो वहां पे एग्जीक्यूशन के वक्त अगर मैंने जितना मेमोरी एलोकेट किया है उन एलोकेटेड मेमोरी का साइज अगर मैं डिक्रीज करना चाहता हूं, कमाना चाहता हूं, या फिर जितना मेमोरी मैंने एलोकेट किया है उससे ज्यादा मेमोरी अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं मेमोरी का साइज इंक्रीज करना चाहता हूं, जितना मेमोरी मैंने एलोकेट किया है उसको अगर मैं रिसाइज करना चाहता हूं, मतलब मे बी इसका साइज मैं डिक्रीज करना चाहता हूं या फिर मे बी अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूं, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? उसको मैं कर सकता हूं बाय यूजिंग रीअलॉक फंक्शन. इसीलिए इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं रीअलॉक फंक्शन. रीअलॉक मींस रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी. जो मेमोरी हमने डायनामिकली मेलॉक फंक्शन या फिर कैलॉक फंक्शन यूज करके एलोकेट किया है, उस पर्टिकुलर मेमोरी को अगर हम रिसाइज करना चाहते हैं, फिर से उसका साइज चेंज करके अगर हम मेमोरी को एलोकेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं जिस तरह के फंक्शन को यूज करके. उस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे रीअलॉक फंक्शन. ओके, समझ आ गया? सो रीअलॉक फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिसाइज द मेमोरी ब्लॉक. ओके, क्या करने के लिए यूज करते हैं? रिसाइज करने के लिए मेमोरी ब्लॉक को. किस मेमोरी ब्लॉक को? व्हिच इज एलोकेटेड बाय मेलॉक और कैलॉक फंक्शन बिफोर. पहले से ही मेलॉक फंक्शन या फिर कैलॉक फंक्शन यूज करके प्रोग्राम के अंदर अगर हमने कोई मेमोरी एलोकेट किया है, उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी के साइज को अगर हम चेंज करके नया साइज प्रोवाइड करना चाहते हैं, नया मेमोरी साइज को एलोकेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं कैसे? उसको हम कर सकते हैं रीअलॉक फंक्शन यूज करके. ओके, जैसे कि सपोज मैंने पहले ही मेलॉक फंक्शन यूज करके एलोकेट किया है 50 bytes ऑफ मेमोरी स्पेस. अगर मैं एलोकेट करना चाहता हूं 70 bytes ऑफ मेमोरी स्पेस, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वही प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैंने जबकि मेलॉक फंक्शन को यूज करके इस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को एलोकेट किया है, तो यहाँ पे जो भी मेमोरी स्पेस मैंने एलोकेट किया है अगर मैं इसको रिसाइज करना चाहता हूँ, इस एलोकेटेड मेमोरी के साइज को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज करके अगर एलोकेटेड मेमोरी के साइज को मैं 70 byte करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कर सकता हूँ कैसे? रीअलॉक फंक्शन यूज करके. रीअलॉक फंक्शन यूज करके पहले से जो एलोकेटेड मेमोरी स्पेस था उसका साइज हम चेंज करके क्या कर सकते हैं? हम दूसरा जो नया साइज देना चाहते हैं वो नया साइज दे सकते हैं बाय यूजिंग व्हिच फंक्शन? बाय यूजिंग रीअलॉक फंक्शन. ओके, इतना समझ आ गया? रीअलॉक फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? मेलॉक फंक्शन या फिर कैलॉक फंक्शन के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी साइज को चेंज करके अगर हम उसको नया साइज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं रीअलॉक फंक्शन यूज करके. ओके, तो सिंटेक्स क्या है रीअलॉक फंक्शन का? सो नॉर्मली जैसे रहता है, मेलॉक के जगह पे कैलॉक के जगह पे लिखेंगे रीअलॉक. उसके बाद हम क्यों यूज करते हैं रीअलॉक फंक्शन? कि मेलॉक फंक्शन या फिर कैलॉक फंक्शन यूज करके हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था उस मेमोरी का, उस एलोकेटेड मेमोरी का साइज को चेंज करने के लिए,
तो उस पर्टिकुलर मेमोरी जब हमने एलोकेट किया, मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा कोई ना कोई पॉइंटर, तो जो पर्टिकुलर पॉइंटर उस एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंटर में जो एलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस है, उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी का अगर हम साइज चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट हमें मेंशन करना पड़ेगा उस पॉइंटर का नाम जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी को। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज करके एलोकेट किया मेमोरी, कितना साइज का मेमोरी, मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है 2। ओके, तो ये मेमोरी एलोकेट करेगा कितना, ये मेमोरी एलोकेट करेगा सपोज एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट का है, तो ये मेमोरी एलोकेट करेगा 8 बाइट का। ओके, 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट किया है, और ये जो 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट किया है, इस एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है कौन सा पॉइंटर, पीटीआर। ओके, तो अगर मुझे ये जो PTR पॉइंटर एलोकेट कर रहा है, मतलब पॉइंट कर रहा है उस एलोकेटेड मेमोरी को, तो अगर उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी का साइज में चेंज करना चाहता हूं तो कैसे चेंज कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू ही चेंज कर सकता हूं। तो Realloc फंक्शन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूज करेंगे उस पॉइंटर का नाम जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस एलोकेटेड मेमोरी को, जिस एलोकेटेड मेमोरी का साइज हम चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद उसका साइज चेंज करके जो नया साइज देना चाहते हैं वो नया साइज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, पहले वो 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी एलोकेट किया था, अभी मुझे 4 वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, तो वो क्या करेगा, जो पहले से वो 2 बाइट, मतलब पहले से जो 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी एलोकेट किया था, उसका साइज वो चेंज करके क्या कर लेगा, 4 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमें जितना मेमोरी चाहिए उतना मेमोरी वो एलोकेट कर लेगा। एक इंटीजर वैल्यू सपोज अगर लेता है 4 बाइट, तो 4 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए कितना चाहिए, 16 बाइट, तो वो 8 बाइट की जगह पे एलोकेट करेगा 16 बाइट, और वही 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस को एलोकेट करेगा या फिर पॉइंट करेगा वही सेम पॉइंटर, जो पॉइंटर की पहले 8 byte of allocated memory को point कर रहा था। अभी हमने क्या किया, उस allocated memory का size को change कर लिया, resize कर लिया, 8 byte के जगह पे उसका size हमने कर लिया 16 byte, और वही same allocated memory को जिस pointer ने point किया था, वही same pointer क्या करेगा, अभी भी वही same allocated memory को point करेगा। बस यहाँ पे realloc function use करके हमने क्या किया, allocated memory का size जो पहले था उसको हमने सिर्फ change कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, Realloc फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, Realloc फंक्शन को हम यूज करते हैं एक एलोकेटेड मेमोरी का साइज को चेंज करने के लिए, मतलब इसका साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसका साइज हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंक्रीज किया, वैसे ही अगर आप डिक्रीज भी करना चाहते हो उसका साइज, तो डिक्रीज भी कर सकते हो Realloc फंक्शन यूज करके। ओके, इतना समझ आ गया Realloc फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। अभी आते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है। ओके, सो Realloc फंक्शन अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा stdlib हेडर फाइल को। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को ओपन किया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया 2 वेरिएबल, एक है नॉर्मल वेरिएबल, एक है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं, जबकि हमें यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है, तो डायनेमिकली हम जो मेमोरी एलोकेट करते हैं उस एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर। ओके, सो Malloc फंक्शन यूज करके मैंने जो 8 बाइट ऑफ यहाँ पे मुझे 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो एक इंटीजर वैल्यू अगर 4 बाइट लेता है, तो 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस जो मैंने एलोकेट किया डायनेमिकली उस एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया पॉइंटर, जो कि पॉइंट करता है उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी को। ओके, अगर मेमोरी Malloc फंक्शन के द्वारा एलोकेट हो गया है तो सही है, अगर एलोकेट नहीं हुआ तो अगर Malloc फंक्शन और Calloc फंक्शन के द्वारा मेमोरी एलोकेट करते वक्त अगर इनसफिशियंट मेमोरी की वजह से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाता, तो Malloc फंक्शन और Calloc फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं, नल वैल्यू। तो अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया है और अगर नल वैल्यू रिटर्न किया है Malloc फंक्शन, तो अगर पॉइंटर में नल वैल्यू स्टोर्ड है, इसका मतलब क्या कि मेमोरी नॉट अवेलेबल, मेमोरी अवेलेबल नहीं है, और अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम डाटा इंसर्ट ही नहीं कर सकते, जिसके वजह से हम यहाँ पे एग्जिट यूज करके, एग्जिट फंक्शन यूज करके क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जिट कर लेंगे। ओके, बट
अगर हमने एलोकेट किया है मेमोरी, मेमोरी स्पेस अगर अवेलेबल है तो उसके बाद वो हमें अलाउ करेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद मैंने यूज किया प्रिंटएफ फंक्शन, जहां पे मैंने लिखा एंटर टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो टू इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी एलोकेट किया है। तो उसके बाद हम जैसे कि जानते हैं डायनामिकली हम जो भी मेमोरी एलोकेट करते हैं उन एलोकेटेड मेमोरी में डाटा स्टोर करके रखने के लिए, उन एलोकेटेड मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप का। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप का। आई का वैल्यू मैंने लिया जीरो और कंडीशन दिया आई लेस देन टू, क्योंकि मुझे दो टू वैल्यू स्टोर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू है जीरो, मतलब फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जीरो, सेकेंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वन। ओके, सो पॉइंट, तो जबकि हमने यहाँ पे दो टू मेमोरी स्पेस एलोकेट किया है, सो फर्स्ट एड्रेस सपोज है 1000। ओके, और जबकि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो सेकेंड वैल्यू क्या है 1004। ओके, सो पॉइंटर पीटीआर प्लस आई, आई का वैल्यू जीरो है तो 1000 प्लस जीरो 1000, तो वो पॉइंट करेगा फर्स्ट एड्रेस को, और फर्स्ट एड्रेस में जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके स्टोर होगा वहां पे। ओके, उसके बाद फिर होगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया वन, वन मतलब पीटीआर प्लस आई, पीटीआर प्लस वन। सो वन मतलब क्या कि हम और नेक्स्ट एड्रेस के पास जाना चाहते हैं, अभी जो एड्रेस है उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है उसके पास जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो एड्रेस एलोकेट किए हैं किस तरह के वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, इंटीजर। एक इंटीजर वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 4 byte। तो अगर मैंने 1000 एड्रेस में वैल्यू स्टोर किया है इंटीजर वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व किया होगा, 4 byte, 1000, 1001, 1002, 1003, ये चार मेमोरी स्पेस रिजर्व किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी स्पेस क्या है, 1004। तो उसके बाद 1004 जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा हमारा पॉइंटर, और जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू जाके स्टोर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंटर में। ओके, स्टोर हो गया। ओके, और इसको अगर सिंपल तरीके से आप जानना चाहते हो तो आपको पहले देखना है कि आपको किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, 1। तो जितना तो इंटीजर वैल्यू आपको स्टोर करना है वो आई का वैल्यू है, उसके साथ आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो इंटीजर वैल्यू का डाटा टाइप क्या है, इंट, और इंट का साइज कितना है, 4 byte। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 4, ये हो गया कितना 4, और पीटीआर का एड्रेस कितना था 1000, 1000 से ऐड हो गया 4, नेक्स्ट एड्रेस हमारा आ गया 1004, जिसमें स्टोर होगा वो वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने दो टू इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया था, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी दो वैल्यू स्टोर कर लिया है। बट फिर बाद में मुझे याद आया कि मुझे क्या करना है, दो के जगह पे मुझे चार टू इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेलॉक फंक्शन यूज करके हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था डायनामिकली उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, उसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करके दो के जगह चार टू इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं डायनामिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया है रीअलॉक फंक्शन का। तो जो पर्टिकुलर पॉइंटर उस एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा था वही पॉइंटर हमने यहाँ पे लिया है और उसको नया साइज प्रोवाइड किया। पहले वो दो ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए एलोकेट किया था मेमोरी, अभी उसने मेमोरी एलोकेट कर लिया चार ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। ओके, उसके बाद वही फिर से चेक करेगा कि मेलॉक फंक्शन ने, अगर रीअलॉक फंक्शन में हमने फिर से जो मेमोरी स्पेस एलोकेट किया, एलोकेट करने के बाद वो चेक करेगा कि अगर एलोकेट हो गया है मेमोरी तो सही है, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया तो वो रिटर्न करेगा नल, अगर नल रिटर्न करेगा तो वहां पे हमें प्रिंट करना है कि मेमोरी अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या होगा हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। बट अगर मेमोरी सफिशियंट अवेलेबल है तो वो एलोकेट करेगा और दो ठो मेमोरी स्पेस, पहले से दो ठो मेमोरी स्पेस ऑलरेडी एलोकेटेड था और दो ठो मेमोरी स्पेस उसने एलोकेट कर लिया और दो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। तो अभी हम इनपुट करेंगे और दो इंटीजर वैल्यू, तो वहां पे प्रिंट करेंगे, पहले प्रिंट फंक्शन यूज करके यूजर को बताएंगे कि एंटर टू मोर नंबर्स, और दो नंबर एंटर करो। ओके, तो यूजर से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में एलोकेटेड मेमोरी में अगर हम डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फॉर लूप यूज करके स्टोर करेंगे। तो पहले से हमने यहाँ पे 0 और 1 में डाटा स्टोर करके रख लिया है, अभी हमें क्या करना है, नंबर 2 से डाटा स्टोर करके रखना है, 2 से लेके कितना 2 और 3। जैसे कि हम एरे में इंडेक्स नंबर हमारा शुरू होता है 0 से, तो यहाँ पे भी हम शुरू कर रहे हैं 0 से, 0 और 1 ये दो पोजीशन में हम वैल्यू स्टोर कर चुके हैं, अभी हमें वैल्यू स्टोर करना है 2 और 3 में। सो आई का वैल्यू हमें शुरू करना है 2 से, तो आई का वैल्यू मैंने लिया यहाँ पे 2, और आई का वैल्यू लेस देन कितना होना चाहिए 4, मतलब 3 तक जाना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर करेंगे वो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, पीटीआर का वैल्यू क्या है 1000, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 2,
किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर, 2 into 4 मतलब 8, 1008. नेक्स्ट एड्रेस है 1008, वहां पे जो वैल्यू स्टोर करेंगे यूजर, जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस में. फिर इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 3. पीटीआर का वैल्यू कितना है? 1000. ओके, आई का वैल्यू 3. किस तरह का वैल्यू स्टोर करें? इंटीजर. उसका साइज कितना है? 4 byte. 3 into 4 12. तो नेक्स्ट एड्रेस हो गया हमारा 1012, और इस पर्टिकुलर एड्रेस में अभी उस वैल्यू को स्टोर करेगा जो वैल्यू अभी यूजर इनपुट करेगा. ओके, हो गया स्टोर. उसके बाद हम जो 4 इंटीजर वैल्यू डायनामिकली हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था उस मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर करने के बाद, उन 4 वैल्यूज को अगर हम देखना चाहते हैं कि वो 4 वैल्यू वहां पे स्टोर हुआ है कि नहीं, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप. फॉर लूप में हमें क्या करना है? चारों वैल्यूज को इनपुट करना है. सो चारों वैल्यू मतलब 0 से लेके 3 तक. ओके, चारों प्लेसेस में जो वैल्यूज हैं, चारों वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है. तो आई का वैल्यू हमने शुरू किया 0 से, और हमें लेना है आई लेस देन 4, क्योंकि हमें 4 तो वैल्यू प्रिंट करना है और वैल्यू 1 by 1 इंक्रीमेंट करना है. ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करने के लिए. और प्रिंट हमें क्या करना है? पॉइंटर में जो एड्रेस है, उस पर्टिकुलर पॉइंटर का जो एड्रेस है, उस एड्रेस में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है. सो पीटीआर प्लस आई. पीटीआर प्लस आई मतलब क्या? आई का वैल्यू क्या है? 0. सो फर्स्ट एड्रेस 1000. 1000 पॉइंटर वैल्यू में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा. फर्स्ट प्रिंट करेगा 53. फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1. 1 into 4 4. 1000 plus 4 1004. नेक्स्ट एड्रेस 1004 को पॉइंट करेगा. नेक्स्ट प्रिंट करेगा वैल्यू 65. फिर इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट प्रिंट करेगा 72. फिर इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट प्रिंट करेगा 85. फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेगा तो तब हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद उसका काम खत्म. उसके बाद हमारा मेन फंक्शन क्लोज. तब तक प्रिंट किया वो 4 वैल्यू, जो 4 वैल्यू हमने डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर किया था. ओके, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? फर्स्ट आएगा एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट करेंगे. फिर क्या करेगा वो? रीएलोकेशन, रीएलोक मेथड, रीएलोक फंक्शन यूज करके फिर से एलोकेट करेगा और 2 मेमोरी स्पेस, जहां पे हम और 2 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे. उसके बाद मेमोरी एलोकेट करने के बाद वो हमें बोलेगा एंटर करो और 2 नंबर, और 2 नंबर इनपुट करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि पहले से हमने जो 2 वैल्यू इनपुट किया था, बाद में फिर हमने जो 2 वैल्यू इनपुट किया, चारों वैल्यूज को वो हमें प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं आउटपुट के हिसाब से. तो देखेंगे तो वो हमें क्या करेगा, चारों वैल्यूज को एज ए आउटपुट वो हमें प्रोवाइड कर पाएगा. तो यहाँ पे आज हमने देखा कि रीअलॉक फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं. अगर हमने मेलॉक फंक्शन या फिर कैलॉक फंक्शन यूज करके मेमोरी ऑलरेडी एलोकेट कर लिया है प्रोग्राम में, और उस एलोकेटेड मेमोरी का साइज अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ही. किस तरह का फंक्शन यूज करके? रीअलॉक फंक्शन यूज करके, जो कि आज हमने पढ़ा, उसको प्रैक्टिकली करके देखा, मतलब उसको एक प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा और उसका सिंटेक्स भी हमने देखा कि हम उसको कैसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.